हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे मेथड्स टू मेजरमेंट इवेपोरेशन। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि इवेपोरेशन हमारा क्या होता है और इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले जितने भी हमारे काउजेज थे, ठीक है, उसके बारे में हमने बात किया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स टू मेजरमेंट इवेपोरेशन। ठीक है, अगर आप किसी भी, ठीक है, रिजर्वेयर व फिर किसी भी हमारा वाटर बॉडी है, ठीक है, अगर सपोज दैट ये वाटर बॉडी है, ओके, यहाँ से वाटर बॉडी है, तो क्या होगा कि यहाँ से सनलाइट आएगा। ठीक है, सनलाइट आके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वाटर क्या है, वेपर फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रीम बन के ऊपर उड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, हमें इसका मेजरमेंट करना है कि हमारा किसी भी वाटर बॉडी से कितना वाटर इवेपोरेट हुआ। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हमारे मेथड्स हैं। तो देखिए, जो पहला जो मेथड है हमारा, वो है हमारा इवेपोरी मीटर से। ठीक है, यानी विद द हेल्प ऑफ पेन। ओके, सेकेंड हो गया मेरा इम्पेरिकल फार्मूला। थर्ड है हमारा एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इन मेथड्स के थ्रू से हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन को हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, एनालिटिकल मेथड में हमें तीन तरीके का इसमें हमें को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला टाइप है हमारा वाटर बजट मेथड, सेकेंड है एनर्जी बजट मेथड, एंड थर्ड है मास ट्रांसफ़र मेथड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये सारे जितने भी हमारे मेथड्स हैं, वो सबको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट आ जाता है बाय इवेपोरी मीटर। इसमें जनरली होता क्या है, ठीक है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड फैन ऑफ 1210 मिलीमीटर डायमीटर एंड 255 मिलीमीटर डेप्थ, यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो एंड इट इज़ नोन एज क्लास ए इवेपोरी मीटर। ठीक है, इसको हम क्लास ए इवेपोरी मीटर बोलते हैं। इसमें होता जनरली क्या है, ठीक है, कि देखिए, इसमें इस तरीके का हमारा एक पेन होता है। ओके, देखिए, इसमें एक तरीके का इस तरीके का एक पेन होता है। ओके, ये हमारा इस तरीके का एक पेन होता है, ये हो गया मेरा ग्राउंड लेवल। ओके, समझ आ रही है आपको। इसका जो हाइट होता है, यहाँ से यहाँ इसका हाइट होता है 255 मिलीमीटर। ये सर्कुलर होता है, इसका जो डायमीटर है वो होता है 1210 मिलीमीटर। ओके, ये होता है इसका डायमीटर। इसमें हम क्या करते हैं कि, और एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से हम इस वेसल को अराउंड 15 मिलीमीटर ऊपर रखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये 15 मिलीमीटर हम ऊपर रखेंगे, ताकि हमारा इसमें जो वाटर है, ठीक है, इस वाटर में एयर का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो सके और इवेपोरेशन बढ़िया से हो सके। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते क्या हैं, द डेप्थ ऑफ वाटर इज़ मेंटेन्ड बिटवीन 18 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ये हमारा 255 मिलीमीटर का हमारा वेसल है। इसमें हमारा कोशिश क्या रहेगा कि हम करीब 18 से 20, ठीक है, 18 से 20 सेंटीमीटर तक इसमें हम मेंटेन करेंगे वाटर भर के। ठीक है, ये हम इस वेसल में वाटर भरेंगे कितना, 18 to 20 मिलीमीटर सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हम इससे कोशिश करेंगे, तो ये इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक इंटरवल लेंगे। अगर हमें एक डे लेना होगा, एक आवर लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर वाटर भरा हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये इवेपोरेट कर जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। ऊपर उड़ने के बाद हम इसमें मेजर करेंगे कि हमारा वाटर का लेवल कितना कम हुआ, जितना कम हुआ वही हमको दे देगा कि हमारा इसमें वाटर वेपर कितना है। ओके, चलिए बात करते हैं। सेकेंड हमारा इसमें है IS इवेपोरी प्लेन पेन। ओके, देखिए, ये होता है क्या, इट इज स्पेसिफाइड बाय IS 5973-1970। ठीक है, कि हमारे इस IS कोड में इसको स्पेसिफाइड किया गया है, इस कोड में। ओके, इसमें ये बोलता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज मॉडिफाइड क्लास ए पेन। ओके, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड क्लास ए पेन। इट इज अ पेन ऑफ
12 10 मिलीमीटर डायमीटर एंड 255 मिलीमीटर डायमीटर, इट इज़ मेड ऑफ कॉपर शीट। ठीक है, इसमें देखिए कॉपर शीट का बना होता है ऑफ 0.9 मिलीमीटर थिक शीट। ओके, इतने का हमारा शीट होगा। द आईएस पैन इज कवर्ड एट अ टॉप विथ हेक्सागोनल वायर मेसिंग। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारा बना होता है इस तरीके से, अगर ये मेरा सपोज दैट ये वेसल है, ठीक है, तो इसमें इस वेसल में क्या होगा ना कि इस तरीके का, इसमें हमारा डायमीटर तो वही है 255 ही होगा हाइट, बट इसका ये हो जाएगा 1220 मिलीमीटर ये हो जाएगा इसका। एक चीज़ इसके ऊपर में क्या है ना कि हेक्सागोनल हमारा नेट लगा होता है ताकि हमारा जो इसमें वाटर होगा किसी बर्ड वगैरह के कारण इस वाटर में किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी ना आए। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, कि अगर वाटर में हमारा अगर इम्प्योरिटी अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा जो इवेपोरेशन होता है उसमें हमारा चेंजेज हो जाता है। ठीक है, प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर में हमारा ज़्यादा इवेपोरेशन होता है एज कंपेरिजन टू सी वाटर। ठीक है, सी वाटर में करीब 5% कम इवेपोरेशन होता है एज कंपेरिजन टू प्योर वाटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक हेक्सागोनल हमारा इसमें ये लगा रहेगा, कवर लगा रहेगा, कवर विद हेक्सागोनल वायर मेस ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का ये बना रहता है, याद रखिएगा इसको। टू मेंटेन द यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम द बर्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इसका जो ये दो तरीके, दो पर्पस होता है, ठीक है, हमारा हेक्सागोनल नेट लगाने का, पहला कि क्या होगा कि हमारा बर्ड वगैरह इस पर किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी पैदा ना करेगा, दूसरी बात है कि इसमें हमारा जो नेट लगा रहेगा ये नेट क्या करेगा, वाटर का जो टेम्परेचर है उस चीज़ को मेंटेन करेगा। ओके, एंड प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम बर्ड्स, द इवेपोरेशन फ्रॉम दिस पेन इज फॉर्म ड्यू टू 14% लेस एज कंपेरिजन टू अनकवर पेन। ठीक है, कि इसमें जो हमारा इवेपोरेशन होगा, ओके, इसमें ये 14% कम होगा किसके कंपेरिजन में, अनकवर जो पेन था उससे इसमें 14% कम इवेपोरेशन होगा। ओके, तो चलिए एक बात नेक्स्ट आता है मेरा, पेन कोफिशियंट। ठीक है, कि हमारा देखिए पेन कोफिशियंट होता क्या है, तो जनरली हमारा लेक इवेपोरेशन, अगर हमको किसी लेक का निकालना है, सपोज दैट अगर हम पेन का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो पेन का क्या हमारा एरिया फिक्स है, एक छोटे से एरिया, अगर हम किसी एक बड़े लेक हो गया, बहुत बड़ा रिजर्वेयर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हमको निकालना पड़ेगा कि कितना उसमें इवेपोरेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक है, वो फार्मूला होता है लेक इवेपोरेशन इक्वल टू सी पी इंटू पेन इवेपोरेशन। हमने क्या, हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लेक इवेपोरेशन का ये जो फार्मूला है इसमें से आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेन इवेपोरेशन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हम प्रीवियस जो इसमें अभी हम बताए हैं आपको, ठीक है, कि जो ए क्लास पेन जो था और ISI जो मॉडिफाइड था उससे हम पेन इवेपोरेशन निकाल सकते हैं। सी पी हमारा क्या है, पेन कांस्टेंट है, ठीक है, इसका हमको वैल्यू दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस लेक में कितना इवेपोरेशन होगा इस चीज़ को हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। एक नोट है हमारा, लेक इवेपोरेशन इज लेस देन लेक इवेपोरेशन। ओके, कि देखिए जो लेक इवेपोरेशन यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो हमारा एक्चुअल जो लेक होगा उससे कम होगा। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं जो सी पी की जो वैल्यू होता है 0.60 टू 0.80 तक जाता है, ठीक है, फॉर क्लास ए पेन के लिए। जब हम क्लास ए पेन से इवेपोरेशन मेजर करेंगे तो हमको इसका वैल्यू लेना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू हम इसमें लेंगे। ओके, उसमें हम ये वाला वैल्यू लेंगे सी पी का, ये वाला वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ सी पी कितना होता है, जनरली 0.7 फॉर क्लास ए। ओके, सी पी देखिए फॉर IS पेन के लिए CP का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरा 0.65 से लेके 1.1 तक, आप इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ CP कितना है, 1080 फॉर IS पेन के लिए। तो आपको बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेक इवेपोरेशन हम इजीली मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो मेरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इवेपोरेशन पेन्स आर नॉट एग्जैक्टली लाइक ए लार्ज रिजर्वेयर। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो इवेपोरेशन जो पेन होता है वो एग्जैक्टली हमारा लार्ज रिजर्वेयर की तरह ट्रीट नहीं करता है, क्योंकि हमारा
सरफेस एरिया डेप्थ चेंज, और डेप्थ चेंज हो जाने से हमारा इवेपोरेशन जो है प्रोसेस होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हमारा एरिया ये है, एक छोटा सा मेरा एरिया ये है, और एक ये बड़ा सा एरिया, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा ना, इवेपोरेशन जो होगा, ठीक है, जो इवेपोरेशन होगा वो दोनों का क्या करेगा, वेरी कर जाएगा, ठीक है। ये बड़े वाले में ज़्यादा होगा, इस छोटे वाले में कम होगा इवेपोरेशन। तो इस हिसाब से हम क्या होगा, जो पेन का जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हम उसको एक्चुअल में नहीं मान सकते कि वो हमारा किसी लेक का, रिजर्वेयर का, हमारा उसमें इवेपोरेशन को दे रहा है। ओके, तो यहाँ से मैंने बता दिया, लेक इवेपोरेशन सीपी इंटू पेन इवेपोरेशन, ठीक है। हाँ देखिए, ये हमारा पहला मेथड था, हमने जिसे ख़त्म कर लिया। आइए अब हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा मेथड है वो होता है हमारा इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला में भी कुछ उसके छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, ठीक है। पहला आ जाता है मेरा इसमें मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला बोलता क्या है, ई इक्वल टू, ई है हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इन मिलीमीटर पर डे, ठीक है, कि हमारा कितना मिलीमीटर इवेपोरेशन हो रहा है एक दिन में। ई इक्वल टू के इन टू ई एस माइनस ई ए इन टू 1 प्लस V9/16। ओके, इसका आप मतलब समझिए क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसका मतलब समझिए कि इसमें बोल क्या रहा है। देखिए, ई है मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। ई एस क्या है मेरा, एयर सेचुरेशन, ओके, सेचुरेशन वेपर प्रेशर है एट वाटर टेम्परेचर। एंड ई ए क्या है मेरा, एक्चुअल वेपर प्रेशर एट वाटर वाटर टेम्परेचर। एंड 1 प्लस V9/16, ये देख सकते हैं यहाँ से क्या है, सेचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ एयर इन मिलीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। आपको समझ में आ रही है, यहाँ से देखिए V9 जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ वाइंड इन किलोमीटर पर आवर एट 9 मीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, कि मेरा वाटर 9 mm जो ऊपर होगा ग्राउंड से, अगर ये मेरा कोई ग्राउंड है तो ग्राउंड से जो 9 मीटर जो ऊपर है ना, ये 9 वही होगा मेरा वेलोसिटी एट 9, ठीक है। तो ये एक नोट हम देखते हैं, इफ V1 इज द वाइंड वेलोसिटी, ओके, इन किलोमीटर पर आवर एट हाइट H1 एबव द ग्राउंड लेवल, एंड V2 इज द वाइंड वेलोसिटी, ठीक है, एट हाइट H2, एंड तब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये इस तरह के मॉडिफाई हो जाएगा, V1/V2 इक्वल टू H1/H2 का पावर 1/7। दिस इज कॉल्ड 1/7 पावर लॉ, याद रखिएगा इस चीज़ को, 1/7 पावर लॉ जिसको हम बोलते हैं। तो ये देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है, इफ द वाइंड वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर एबव द ग्राउंड इज 5 किलोमीटर पर आवर, इट्स वैल्यू एट अ हाइट ऑफ 9 मिलीमीटर एबव द ग्राउंड लेवल, हमको क्या करना है इसमें कि 9 लेवल, ये 9 मीटर ऊपर हमारा कितना होगा वेलोसिटी, उस चीज़ को हमको फाइंड करना है। तो हमको पता है यहाँ से जो फॉर्मूला हमारा जो क्या निकल के आ गया, V1/V2 इक्वल टू अंडर ये ब्रैकेट H1/H2 का पावर 1/7, ये हमको फार्मूला यहाँ से पता है। तो हमको V1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 5, तो V1 का वैल्यू हो गया 5। एंड V2 हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, H1 का कितना दिया गया, 2/9, ठीक है, यहाँ से 1/7, तो 1/7 करेंगे तो यहाँ से हम V2 जब कैलकुलेट करेंगे 6.2 हमको ये वैल्यू मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, तो चलिए हम बात करते, ये तो था हमारा दूसरा मेथड, ये हम लास्ट मेथड की ओर चलेंगे, ठीक है, जो है हमारा एनालिटिकल मेथड टू फाइंड इवेपोरेशन रेट, ठीक है। तो हमको जनरली एनालिटिकल मेथड में 3 मेथड्स पढ़ना होता है, ठीक है। ये हमारा जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इससे हम जो इवेपोरेशन को मेजर करते हैं, इससे इवेपोरेशन जो मेजर हमारा होने वाला है ना, तो इससे क्या होगा कि हमको एग्जैक्ट इवेपोरेशन मिलेगा। ओके, तो इसमें देखिए पहला आता है वाटर बजट मेथड। तो सबसे पहले वाटर बजट मेथड जानने से पहले आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, ठीक है,
कि ये मेरा कोई ग्राउंड सरफेस है, समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इससे देखिए यहाँ से क्या होगा, प्रिसिपिटेशन होगा, यहाँ से बारिश होगी, यहाँ पे क्या होगा, वाटर कहीं स्टोर होगा रिजर्वेयर में, फिर ये रिजर्वेयर में स्टोर होने के बाद ये हमारा एक कुछ इवेपोरेशन हो गया, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ इवेपोरेशन होने के बाद कुछ हमारा वाटर नीचे चला जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टोरेज, डेल्टा एस। तो इसका जो सिंपल सा फंडा है, डेल्टा एस यानी चेंज इन स्टोरेज हो जाता है इनफ्लो, जितना हमको वाटर हमको मिला और कितना हमारा गया, ठीक है, जितना मिला और जितना गया। ओके, समझ में आ रही है आपको? ओके, कि हमारा जितना आया और उतना चला गया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, चेंज इन स्टोरेज में वो कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई मेरा इनफ्लो है, क्यू मेरा क्या है, आउटफ्लो। तो इफ आई इज़ ग्रेटर देन क्यू, ठीक है, कि हमारा इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा आउटफ्लो से, देन एस एफ इज़ ग्रेटर देन एस आई, दैट इज़ एस इज़ पॉजिटिव, स्टोरेज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है। सेकेंड केस आया था, जब मेरा आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा इनफ्लो से, तब हमारा जो स्टोरेज का वैल्यू होगा वो नेगेटिव चला आता है, ठीक है, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या बोलता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, इनकमिंग मास पर डे इक्वल टू नेट आउट गोइंग पर डे, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें से इनकमिंग क्या है, इनकमिंग पहला है प्रिसिपिटेशन प्लस वी आई एस प्लस वी आई जी इक्वल टू जो हमारा हो गया इवेपोरेशन प्लस वी ओ एस प्लस वी ओ जी प्लस टी प्लस डेल्टा एस, ठीक है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा ये बोरिंग है एंड हाइड्रोलॉजी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, तो आपको खुद से एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपको ये नोट्स अगर परचेज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, इससे आप कॉन्टेक्ट करके बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मैं दे देता हूँ, ठीक है, वहाँ से आप चाहो तो ये नोट्स परचेज कर सकते हो, आप हाइड्रोलॉजी ही क्या, आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज कर सकते हो। ओके, और जो सारे जो नोट्स है वो क्लासरूम हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको कैसे नोट्स मिलेंगे, जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे क्लास 1 नोट्स मिलेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके का लिखा हुआ हर चीज़ आपको उसमें कवर रहेगा, ठीक है, बस आप नोट्स पढ़िए एंड आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। ओके, तो देखिए पी हमारा क्या है, डेली प्रेसिपिटेशन, वी आई एस क्या है, डेली सरफेस इनफ्लो। ओके, कि हमारा पर डे कितना सरफेस में इनफ्लो हो रहा है। सेकेंड क्या है, वी आई जी डेली अंडरग्राउंड इनफ्लो इन टू द रिवर, ठीक है, कि कितना हमारा रिवर पे चला जा रहा है। वी ओ एस क्या है, मेरा डेली सरफेस आउटफ्लो फ्रॉम द रिवर। ओके, वी ओ जी क्या है, मेरा डेली अंडरग्राउंड आउटफ्लो फ्रॉम द रिवर। टी क्या है, डेली ट्रांसपिरेशन लॉस, कि हमारा कितना इससे इवेपोरेट हो रहा है। डेल्टा एस क्या, चेंज इन स्टोरेज, जिसके जो वैल्यू होती है एस एफ माइनस एस आई होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा फॉर इन केस इन स्टोरेज, ठीक है, इनफ्लो ज़्यादा होगा आउटफ्लो से, तो डेल्टा एस, मैंने तो इसको बता ही दिया, ठीक। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मैथड एंड बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल हमारा मैथड है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकेंड मेथड है उसके ऊपर, कि हमारा सेकेंड मेथड क्या बोलता है। देखिए जो सेकेंड मेथड है वो है हमारा एनर्जी बजट मेथड। ओके, इसमें हम जनरली करते हैं क्या है, द एनर्जी बजट मेथड इज एन एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हमारा एक कंजर्वेशन एनर्जी की तरह है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कि इसमें देखिए इवेपोरेशन होता है, सेम कंडीशन है, तो इसके लिए आपको सीधा ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला, आप सीधा याद रखिए। अब वीडियो को पॉज कर करके आप अपना नोट्स बना लो या फिर आप पढ़ लीजिए। ओके, ये हो जाता है हमारा एच एन इक्वल टू 1 माइनस गामा एच सी माइनस
HB, ठीक है। आप मैं यहाँ पे मैं आप यहाँ से आप खुद पढ़ लो, ओके। वीडियो आप पॉज कर करके आप नोट्स लिख लो अपना, या अगर आपको वाइड नोट्स चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्ट में वो लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था वो ये वाला है, एच एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना, इस फॉर्मूला को आपको याद रखिए, इसको याद रख लीजिए, काम आपका हो जाएगा, ओके। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। आप वीडियो पॉज कर करके यहाँ से लिख सकते हैं। ये हमारा जो लास्ट है, हमारा मास ट्रांसफर मेथड, ओके। दिस इज बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ टर्बुलेंट मास ट्रांसफर इन बाउंड्री लेयर टू कैलकुलेट द मास वाटर वेपर ट्रांसफर फ्रॉम द सरफेस टू सराउंडिंग एटमोसफेयर। कि जनरली हमारा जो मास ट्रांसफर मेथड का यूज करता है, इसमें हम टर्बुलेंट मास जो हमारा ट्रांसफर करता है इन बाउंड्री, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि हमारा बाउंड्री लेयर क्या होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, इसको हम कैसे निकालेंगे, ए डॉट सी पी डॉट ई पी, ठीक है। ये लेक इवेपोरेशन था, सी पी डॉट ई पी, आपको समझ में आ रही है। यहाँ से ए क्या है, एरिया ऑफ द रिजर्वेयर, सी पी क्या है, पेन कोफिशियंट, ई पी क्या है, पेन इवेपोरेशन, ठीक है, समझ में आपको आ गई। यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं। चलिए हमारा मेथड टू मिनिमाइज इवेपोरेशन लॉसेस, तो ये हम बात करते हैं कि मेथड्स हमारे क्या हैं कि इवेपोरेशन लॉसेस को रोक सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को मैं इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।